Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 3rd June 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about sedition law, Deshdroh ka kanun. This topic is important from our exam upcoming mains. So ये Indian पॉलिटी जी एस पेपर टू से रिलेटेड ये टॉपिक है. एक बार जरा देखते हैं हिस्ट्री ऑफ सेडिशन लॉ, देशद्रोह का जो कानून है उसकी क्या हिस्ट्री है. तो इट वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस्ड बाई ब्रिटिशर्स, सो इट्स अ ब्रिटिश ओरिजिन लॉ. 17th century में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, जिसके हिसाब से एनी ओपिनियन अगेंस्ट द गवर्नमेंट और द मोनार्क कुड बी ट्रीटेड एज सेडिशन, देशद्रोह माना जाएगा. सरकार के खिलाफ या किंग के खिलाफ अगर कोई बात कही गई तो, और वो देशद्रोह के कारण पनिशमेंट हो सकती है. ब्रिटिशर्स ने इसी तरीके का कानून इंडिया में इंट्रोड्यूस किया 1870 में अंडर आईपीसी सेक्शन 124A. तो आईपीसी सेक्शन 124A डील्स विद सेडिशन, और इसके अंतर्गत हमारे देश के में 3 साल से लेकर के लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा है. यानी कि सेडिशन चार्जेस के अंदर 3 साल से लेकर के उम्र कैद तक की सजा हो सकती है. अगर देखा जाए कि ब्रिटिशर्स ने ये सेडिशन लॉ इंडिया में क्यों इंट्रोड्यूस किया, तो उसके पीछे कारण सरल था. वो इंडिया के अंदर जितने भी मूवमेंट चल रहे थे, इंडिया नेशनल मूवमेंट, उसको सप्रेस करना चाहते थे. तो दे वांटेड टू सप्रेस एनी क्रिटिसिज्म ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया. इस तरीके से सेडिशन लॉ को हमारे देश के अंदर लाया गया है. किसी भी जेन्युइन क्रिटिसिज्म को भी सप्रेस करने के लिए ब्रिटिशर्स ने सेडिशन लॉ इंट्रोड्यूस किया, ताकि किसी भी तरीके का क्रिटिसिज्म ना हो सरकार का, और इस कारण से कोई भी अनरेस्ट या मूवमेंट का माहौल ना बने. क्योंकि ब्रिटिशर्स ने रियलाइज़ कर लिया था ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 कि बहुत सारा एक अनरेस्ट है या फ्रस्ट्रेशन है लोगों के मन में, तो उसको सप्रेस करने के लिए ये आईपीसी सेक्शन 124A लाया गया. और इसका काफ़ी सारा मिसयूज भी किया गया. कभी जेन्युइन क्रिटिसिज्म भी करते थे हमारे जो इंडियन लीडर्स थे, तो दे वर स्लैप्ड विद द चार्जेस ऑफ सेक्शन 124A सेडिशन लॉ. फॉर एग्जांपल, बाल गंगाधर तिलक जी ने क्रिटिसाइज किया ब्रिटिशर्स के जो मिसहैंडलिंग ऑफ द सिचुएशन ऑफ प्लेग था इन महाराष्ट्र. आपने इंडियन हिस्ट्री में पढ़ रखा होगा 1897 में जो बॉम्बे प्रोविंस था वहाँ पर प्लेग के कंडीशंस बने थे, प्लेग, और फिर वहाँ पे ब्रिटिशर्स ने उसको ठीक तरीके से हैंडल नहीं किया. इनफैक्ट बहुत ही इनसेंसिटिव तरीके से हैंडल किया पूरे सिचुएशन को. कोई भी इंसान जिस पर थोड़ा भी शक होता था कि उस पर प्लेग हो सकता है, उसको वो लोग आइसोलेट कर देते थे, और उसको फिर आइसोलेशन में रखने के बाद उसका ठीक से केयर नहीं किया जाता था, जिस कारण से कई सारे लोगों की डेथ हो रही थी. बाल गंगाधर तिलक जी ने इसका क्रिटिसाइज़ किया, मिसहैंडलिंग ऑफ द प्लेग सिचुएशन, और उनके खिलाफ 18 महीने का जेल का कारावास या जेल की सजा सुना दी ब्रिटिशर्स ने अंडर सेडिशन लॉ. वैसे ही महात्मा गांधी वाज अरेस्टेड एंड सेंटेंस्ड फॉर अबाउट 6 ईयर्स अंडर सेडिशन लॉ सेक्शन 124A फॉर हिज आर्टिकल्स इन यंग इंडिया. और यही कारण है कि महात्मा गांधी ने ये स्टेटमेंट दिया था सेडिशन लॉ के लिए, सेक्शन 124A के लिए, कि इट इज़ प्रिंस ऑफ ऑल पॉलिटिकल सेक्शंस ऑफ आईपीसी डिजाइंड टू सप्रेस सिविल लिबर्टीज. महात्मा गांधी के हिसाब से जितना भी पीनल कोड बनाया गया है ब्रिटिशर्स द्वारा, उनका मुख्य उद्देश्य लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना नहीं है, भारत इंडियन लोगों की सिविल लिबर्टीज़ को सप्रेस करना है. लेकिन जितने भी आईपीसी के जो कोड्स बनाए गए हैं इंडियंस के सिविल लिबर्टीज़ को सप्रेस करने के लिए, उसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक महात्मा गांधी के हिसाब से यही है सेक्शन 124A, प्रिंस ऑफ ऑल पॉलिटिकल सेक्शंस. अभी सेडिशन लॉ जो है, जो ब्रिटिशर्स लेकर के आए, और वो लाए थे किसी अलग पर्पज़ से, इंडियंस के अगेंस्ट, मतलब इंडियंस के अंदर कोई भी अनरेस्ट का फीलिंग हो या अगर कोई मूवमेंट का माहौल बने तो उसको सप्रेस करने के लिए सेडिशन लॉ का इस्तेमाल किया जाता था एज एन इंस्ट्रूमेंट. बट आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑल्सो इंडिया कंटिन्यूड विद द सेडिशन लॉ, और जिस कारण से कई सारे इसके निगेटिव आउटकम्स देखे जा रहे हैं. इंडिया ने क्यों सेडिशन लॉ कंटिन्यू किया आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसका कारण सरल है. जिस तरह के सिचुएशन में हमारे देश को आज़ादी मिली, वो सिचुएशन था वो टेंशन का. देयर वाज पार्टीशन हैपनिंग इन द कंट्री, सो देयर वर थ्रेट टू टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री. उसके अलावा सेक्सेशनिस्ट टेंडेंसीज अलग अलग पॉकेट से इमर्ज हो रही थी. तो वैसे हालात में इन द बिगिनिंग ईयर्स द पॉलिटिकल सिचुएशन वाज वेरी टेंस्ड एंड देयर वर लॉट मेनी चैलेंजेस ऑन टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. तो इस कारण से भारत सरकार ने सेडिशन लॉ सेक्शन 124A को कंटिन्यू करा
आज़ादी के बाद भी, ताकि इस तरीके के जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ हैं उनको सप्रेस किया जा सके। लेकिन ये काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा, धीरे धीरे पॉलिटिकल सिचुएशन काफ़ी स्टेबल हो गई हमारे देश में, लेकिन आज भी सेक्शन 124A सेडिशन लॉ प्रिवेल कर रहा है। और आजकल इसका बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है बिकॉज ऑफ मेनी मिसयूज ऑफ द लॉ बाय अथॉरिटीज़। फॉर एग्जांपल, बिहार में 49 पीपल रोट एन ओपन लेटर टू आवर प्राइम मिनिस्टर अगेंस्ट काउ विजिलेंटिज्म, मॉब लिंचिंग एंड काउ विजिलेंटिज्म, कि काउ प्रोटेक्शन के नाम पे जो मॉब लिंचिंग हो रही है इसको रोका जाना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री जी को एक ओपन लेटर लिखा ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। और सिमिलरली देर वेर सम जर्नलिस्ट हु वेर गोइंग टू उत्तर प्रदेश हाथरस डिस्ट्रिक्ट टू कवर अ रेप इंसिडेंट। मैनी जर्नलिस्ट वी वर ट्राइंग टू कवर वीडियो ऑफ फ्लोटिंग डेड बॉडीज ऑफ कोविड विक्टिम्स इन गंगा ड्यूरिंग द सेकेंड वेव। ये सारे जो जेन्युइन बातों को रेज करने वाले लोग थे, इन सब के खिलाफ भी सेक्शन 124A का इस्तेमाल किया गया, देशद्रोह के कानून का इस्तेमाल किया गया। इसलिए आप कह सकते हैं कि सेक्शन 124A का काफ़ी टाइम अब मिसयूज भी होता रहा है इन ऑर्डर टू सप्रेस जेन्युइन क्रिटिसिज्म। तो जिस कारण से ब्रिटिशर्स लेकर के आए थे, मोर ऑर लेस आज भी इसका इस्तेमाल मिसयूज के तौर पे ही हो रहा है टू सप्रेस जेन्युइन क्रिटिसिज्म। और सेडिशन लॉ का मिसयूज होता रहा है टू सप्रेस जेन्युइन क्रिटिसिज्म, दैट इज एविडेंट फ्रॉम कन्विक्शन डेटा ऑल्सो। ओनली 3.3% कन्विक्शन रेट है। कन्विक्शन रेट का मतलब है कि जितने लोगों के खिलाफ सेडिशन के चार्जेस लगाए गए उनमें से कितने लोगों को असल में उसका वो क्राइम करते हुए सही पाया गया है, हाउ मेनी ऑफ देम हैव बीन कन्विक्टेड, दोषी करार पाया गया है फॉर प्रैक्टिसिंग सेडिशन। ओनली 3.3%, यानी कि मोर देन 95% केसेस में जो सेडिशन चार्जेस थे वो सुपरफिशियल या फॉल्स तरीके से लगाए गए बाय अथॉरिटीज जस्ट टू सप्रेस जेन्युइन क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट। असम के अंदर भी इसके केसेस काफ़ी सारे हैं। तो 2014 से लेकर के 2019 तक में देर वर 54 इंसिडेंसेस ऑफ सेडिशन लॉ अप्लाइड इन असम। तो इस कारण से सेडिशन लॉ को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता रहा है मॉडर्न टाइम्स में, कि इट इज़ हैविंग अ चिलिंग इफेक्ट। चिलिंग इफेक्ट मतलब अ वेरी स्ट्रॉन्ग निगेटिव इफेक्ट ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दिस इज एंटी डेमोक्रेटिक, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर लोगों को बोलने का हक होना चाहिए, अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करने का हक होना चाहिए। ब्रिटिशर्स के टाइम में इसको लाया गया था बिकॉज ब्रिटिशर्स वॉन्टेड टू सप्रेस एनी जेन्युइन क्रिटिसिज्म, बट इट बिकम्स इनकंसिस्टेंट इन अ मॉडर्न डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया। इट ऑफकोर्स लिमिट्स फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गारंटेड अंडर आर्टिकल 19(1)(a)। कोई भी क्रिटिसिज्म करना चाहे, कुछ भी अगर आप सरकार के खिलाफ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी करना चाहें, तो यू माइट बी सब्जेक्टेड टू सेक्शन 124A। कई सारे लोग इसको आउटडेटेड लॉ की तरह क्रिटिसाइज करते हैं कि ब्रिटिशर्स लेकर के आए थे अपने देश के लिए, बाद में उन्होंने इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया इन ऑर्डर टू सप्रेस जेन्युइन क्रिटिसिज्म। लेटर ऑन ब्रिटिशर्स रिमूव्ड द लॉ फ्रॉम देयर ओन कंट्री, बट वी इन इंडिया आर कंटिन्यूइंग विद दिस लॉ। सो दिस इज एन आउटडेटेड लॉ दैट इंडिया इज कंटिन्यूइंग टिल डे, विच डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट पर्पज टू सर्व। लिमिट्स टू फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड मीडिया। देखिए, मीडिया को कहा जाता है फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। हमने इसको कई दफ़ा डिस्कस किया है न्यूज़पेपर एनालिसिस में हाल फिलहाल में भी, कि वाई मीडिया इज़ कंसिडर टू बी फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। तो मीडिया को, प्रेस को अपना ओपिनियन खुल करके लिखने का अधिकार होना चाहिए इफ़ दे हैव टू डू जस्टिस विद देयर रोल एज फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। बट व्हेन जर्नलिस्ट आर अबाउट टू राइट एनीथिंग दे आर अंडर कॉन्स्टेंट फियर ऑफ सेक्शन 124A, एंड दैट इज़ हाउ इट इज़ नॉट अलाउिंग मीडिया टू प्ले इट्स genuine role as fourth pillar of democracy. You see, in modern times only few countries have continued with the stringent sedition law, like Saudi Arabia, Malaysia, Iran, Uzbekistan, Sudan, Senegal. So most of them are orthodox Islamic country and they are continuing with sedition law. So yahi apne aap mein batata hai ki sedition law jo hai aaj ke modern times mein democratic पॉलिटिकल सिस्टम्स के कंसिस्टेंसी में नहीं है, येट इंडिया इज कंटिन्यूइंग विथ इट। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि सेडिशन लॉ का सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसिज्म ही किया जा सकता है, कुछ तो पॉजिटिव्स भी हैं सेडिशन लॉ के। और पॉजिटिव्स यही है कि सेडिशन लॉ इज इंपॉर्टेंट फॉर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ द कंट्री। देर आर मैनी एंटी नेशनल फोर्सेज स्टिल एक्टिव इन आवर कंट्री, फॉर एग्जाम्पल माओविस्ट इंसर्जेंसी है, सेक्सेशनिस्ट टेंडेंसी है, जैसे कि अल्फा वगैरह दे आर एक्टिव, NSC एंड खापलांग दे आर एक्टिव, टेररिस्ट एलिमेंट्स हैं दे आर एक्टिव। तो ऐसे एंटिटीज से अगर निपटना है हमें, तो वी नीड टू हैव ए स्ट्रॉन्ग लॉ
और इसके लिए सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी इज वेरी इफेक्टिव. एंड सम ऑफ द सपोर्टर्स ऑफ द आइडिया ऑफ सेक्शन 124A से कि दिस इज नॉट डेट्रीमेंटल टू डेमोक्रेसी, इनफैक्ट इट इज प्रोटेक्टिंग डेमोक्रेसी. सेक्शन 124A, इट प्रोटेक्ट्स द इलेक्टेड गवर्नमेंट फ्रॉम एन अटेम्प्ट टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट विद वायलेंस एंड इलीगल मीन्स. तो जो भी इलेक्टेड सरकार है उसको, यानी कि वो डेमोक्रेसी का मैनिफेस्टेशन है, उस सरकार को अपना काम करने का अधिकार होना चाहिए. तो ऐसे इलेक्टेड गवर्नमेंट बाय द पीपल ऑफ इंडिया, उसको प्रोटेक्ट करता है सेक्शन 124A. तो रादर देन सबवर्टिंग डेमोक्रेसी, सेक्शन 124A इज प्रोटेक्टिंग डेमोक्रेसी. अभी सेक्शन 124A को लेकर के इतनी सारी बहस हुई है कि वो जरूरी है कि नहीं है, उसको रखा जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए. दैट मैटर वॉज टेकन टू द सुप्रीम कोर्ट कि भाई सेक्शन 124A इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज़ हैविंग नेगेटिव और इट इज़ कॉन्ट्रावीनिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गारंटेड अंडर आर्टिकल 19(1)(a). इस पिटीशन को फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर. सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस केस का नाम है केदारनाथ सिंह केस. और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में कहा कि नो, सेडिशन लॉ इज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज़ कम्प्लीटली कॉन्स्टिट्यूशनल. बट हाँ, सेडिशन लॉ का कुछ मिसयूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गारंटेड अंडर आर्टिकल 19(1)(a) इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट, इट इज़ सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन. और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ सेडिशन लॉ. तो कई सारे कानून इन द नेम ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस बनाए जा सकते हैं. रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस में हमने देखा है ना, एनी फ्रीडम, एनी थ्रेट टू टेरिटोरियल सोवरेनिटी इंटीग्रिटी या फ्रेंडली रिलेशंस विथ एनी फॉरेन कंट्री, मोरालिटी डिसेंसी, ये सब है ना. तो सुप्रीम कोर्ट ने वही जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन वाला प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके अंतर्गत सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी सेडिशन लॉ को कॉन्स्टिट्यूशनल माना. बट हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सेडिशन लॉ शुड बी वेरी रेयरली यूज एंड ओनली यूज व्हेन देयर इज ए टेंडेंसी टू इंसाइट वायलेंस. अब ये जो शब्द इस्तेमाल किया सुप्रीम कोर्ट ने, टेंडेंसी टू इंसाइट वायलेंस, कि उन्हीं लोगों के खिलाफ सेडिशन लॉ का इस्तेमाल किया जाना चाहिए जो वायलेंस भड़काने की कोशिश करें, अदरवाइज सेडिशन लॉ का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए. बट ये जो शब्द इस्तेमाल किया सुप्रीम कोर्ट ने, टेंडेंसी, दैट इज ऑल्सो ओपन टू सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन. टेंडेंसी, अब कोई बोलेगा कि ये जो 49 लोगों ने काउ विजिलेंटिज्म के खिलाफ ओपन लेटर लिखा है, दैट इज ऑल्सो टेंडेंसी टू इंसाइट वायलेंस. ये जो हाथरस में जर्नलिस्ट जा रहे हैं रेप केस को कवर करने के लिए, दैट इज ऑल्सो अ टेंडेंसी टू इंसाइट वायलेंस. तो दैट इज हाउ जो केदारनाथ सिंह जजमेंट के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने टर्मिनोलॉजीज दी है फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सेडिशन लॉ, टेंडेंसी टू इंसाइट वायलेंस, दैट इज इट्सल्फ वेरी सब्जेक्टिव एंड ओपन टू अ वेरी सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन. और इसका इसी कारण से मिसयूज होता रहा है टिल दे द डिबेट इज ऑन कि हमें सेडिशन लॉ आईपीसी ऑफ सेक्शन 124A को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं. और 2-3 महीने पहले भारत सरकार ने इस मैटर को रेफर किया लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को कि आप बताइए हमें इस कानून को कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो क्या मॉडिफिकेशन ला करके कंटिन्यू करना चाहिए. लॉ कमीशन के बारे में आई होप आप जानते होंगे, एक नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी है क्रिएटेड अंडर नोटिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. टाइम टू टाइम लॉ कमीशन को बनाया जाता है और लॉ कमीशन फिर अलग अलग रिपोर्ट्स पब्लिश करती है अबाउट डिफरेंट लॉज एप्लीकेबल इन इंडिया. उनका वो एनालिसिस करती है, बताती है कि उन लॉज में क्या सुधार किए जा सकते हैं. सो इट अंडरटेक्स रिसर्च इन लॉ रिव्यू एंड एग्जिस्टिंग लॉज का ये रिसर्च करती है और उसमें कुछ सजेशंस देती है फॉर ब्रिंगिंग सम रिफॉर्म्स इन देम. तो लॉ कमीशन को मैटर रेफर किया गया भारत सरकार द्वारा और लॉ कमीशन ने अपने 279th रिपोर्ट में कहा है कि द सेडिशन लॉ शुड बी रिटेन्ड इन इंडिया, इसको कंटिन्यू किया जाना चाहिए. क्यों? क्योंकि सेडिशन लॉ हेल्प्स इन एंश्योरिंग सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री. उन्होंने कहा कि मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो 3 years से चेंज करके इट शुड बी अमेंडेड टू 7 years एंड इट कुड बी गिवेन बाय द कोर्ट टू द कोर्ट शुड बी गिवेन मोर अपॉर्चुनिटी और यू मोर स्कोप टू अवॉइड हाइयर पनिशमेंट. मैं इस पॉइंट को फिर से समझाता हूँ. 3 साल से लेकर के उम्र कैद तक की सजा थी, ठीक है, सेडिशन लॉ के अंतर्गत. सुप्रीम लॉ कमीशन ने कहा है कि कोर्ट के पास
हायर पनिशमेंट देने का भी ऑप्शन होना चाहिए अंडर सेडिशन लॉ। तो सेडिशन लॉ विच कैरीज ए मैक्सिमम पनिशमेंट ऑफ लाइफ इंप्रिजनमेंट और 3 years शुड बी अमेंडेड टू एनहांस द ऑल्टरनेटिव पनिशमेंट टू 7 years गिविंग द कोर्ट ग्रेटर रूम फॉर अवार्ड पनिशमेंट। इसका मतलब है 3 साल की सजा या उम्र कैद, ये 2 तरह की सजा दे सकते थे कोर्ट अंडर सेडिशन चार्जेस अर्लियर, 3 साल या उम्र कैद। अब एक और ऑप्शन दिया जा सकता है कि 3 साल या 7 साल या उम्र कैद। लेकिन हाँ, लॉ कमीशन ने यह भी सजेस्ट किया है कि देयर शुड बी प्रोसीजरल सेफ गार्ड टू मिनिमाइज द अब्यूज ऑफ सेडिशन लॉ, कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव तरीके से, क्योंकि केदारनाथ सिंह केस में जो टर्मोलॉजीज दी है सुप्रीम कोर्ट ने, टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ सेडिशन लॉ, टेंडेंसी टू इंसाइट वायलेंस, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो भारत सरकार को कुछ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया ले डाउन करने चाहिए फॉर प्रोसीजरल सेफगार्ड्स, ताकि इस कानून का मिसयूज ना हो, ये भी कहा है लॉ कमीशन ने। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ये मेंस का क्वेश्चन है, इंडियन सेडिशन लॉ हैज बिकम अ प्रिविलेज फॉर अथॉरिटीज एंड हैज चिलिंग इफेक्ट ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड राइट टू डिसेंट, क्रिटिकली एनालाइज। तो मैंने वही बातें यहाँ लिख करके दी हैं जो मैंने पहले डिस्कस किया है, बस ये फ्लो कैसे होना चाहिए आंसर का वो यहाँ मैंने समझाने की कोशिश की है कि इंट्रोडक्शन में आप सेडिशन के बारे में लिख दो कि ब्रिटिश एरा लॉ आईपीसी सेक्शन 124A पनिशमेंट फॉर एक्टिंग ऑफ सबवर्सन अगेंस्ट द स्टेट। इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं बाल गंगाधर तिलक वॉज सेंटेंस्ड फॉर 18 months व्हेन ही क्रिटिसाइज ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर मिसहैंडलिंग ऑफ प्लेग। फिर आप अगला पैराग्राफ बदल करके लिखिए कि कंटिन्यूड आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो एक कैसे लॉजिकल फ्लो होना चाहिए, इंट्रोडक्शन में आपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिख दिया, कंटिन्यूड आफ्टर इंडिपेंडेंस विथ द गोल ऑफ इंश्योरिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड अवॉइडिंग सेक्सेशनिस्ट टेंडेंसी बट देयर हैज बीन इश्यूज ऑफ मिसयूज बाय अथॉरिटीज। और इसी कारण से, मिसयूज बाय अथॉरिटीज के कारण ही केदारनाथ केस 1962 में सेडिशन लॉ के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट शुड बी अप्लाइड इन केस ऑफ टेंडेंसी टू इंसाइट वायलेंस। बट ये जो केदारनाथ जजमेंट है उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, इट इज स्टिल वेरी सब्जेक्टिव इन नेचर, एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, एंड दैट इज वाई मिसयूज कंटिन्यूज। और इस कारण से 49 पीपल वाला एग्जाम्पल लिख दिया बिहार का, काउ विजिलेंटिज्म के खिलाफ उन्होंने कंप्लेन किया एंड दे वेयर स्लैप्ड विथ सेडिशन चार्जेस। जर्नलिस्ट कवरिंग हाथरस रेप या कोविड विक्टिम्स के प्लाइट को जो जर्नलिस्ट कवर कर रहे थे, दे वेयर स्लैप्ड विथ सेडिशन चार्जेस। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि आईपीसी 124A स्टिल डे क्रिटिसाइज्ड फॉर एक्टिंग एज हैविंग अ चिलिंग इफेक्ट ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड दस देर हैज बीन अ डिमांड टू रिपील सेक्शन 124A बिकॉज क्रिटिक्स कॉल इट एंटी डेमोक्रेटिक, लिमिट्स टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड आउटडेटेड, इट हैज द लॉ हैज लॉस्ट इट्स यूटिलिटी। फिर लास्ट कंक्लूजन लाइन में आप लिख सकते हैं, बट द लॉ कमीशन रिसेंटली इन इट्स 279th रिपोर्ट कॉल्ड फॉर कंटिन्यूइंग द सेडिशन लॉ। एज पर द लॉ कमीशन द सेडिशन लॉ इज नीडेड टू इंश्योर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बट एज पर द कमीशन द सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट ले सम प्रोसीजरल सेफगार्ड्स टू प्रिवेंट पोटेंशियल मिसयूज। तो एक फ्लो में आंसर आपने पूरा कंप्लीट कर दिया, ऐसे लिखा जाता है आंसर। स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, दिस इज सेकेंड टॉपिक, दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व या स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व ऑफ इंडिया, देखिए इंडिया मीट्स 80% ऑफ इट्स क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट थ्रू इम्पोर्ट, तो वी आर वल्नरेबल एज फार एज आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स आर कंसर्न। बिकॉज वल्नरेबल हम कैसे हो जाते हैं, बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेन इम्पोर्ट टू मीट आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट। तो अपनी वल्नरेबिलिटी को कम करने के लिए इंडिया ने डेवलप किया है स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स, कि कुछ ऑयल को ऐसे स्टोर करके स्ट्रैटेजिक तरीके से या रिजर्व करके रखा जाए ताकि किसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में हम इसका इस्तेमाल कर सकें। तो हमने हमारे देश में अभी 5.33 मिलियन मेट्रिक टन्स का स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व बनाया है 8 लोकेशंस, मैंगलोर कर्नाटका, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश एंड पदूर कर्नाटका। तो ये 3 जगहों पे हमने 5.33 मिलियन मेट्रिक टन्स का स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व बनाया है। विशाखापट्टनम में 1.33 मिलियन मेट्रिक टन्स, मैंगलोर में 1.5 मिलियन मेट्रिक टन्स, पदूर में 2.5 मिलियन मेट्रिक टन्स, और लगभग 6.5 मिलियन मेट्रिक टन्स का हम लोग एक्स्ट्रा कैपेसिटी और बिल्ड कर रहे हैं, वन एट चांदी खोल उड़ीसा, ये वाला सबसे बड़ा वाला स्ट्रैटेजिक रिजर्व बनेगा
विथ 4 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ कैपेसिटी, और दूसरा हम लोग फिर से पदूर में बना रहे हैं ऑफ 2.5 मिलियन मेट्रिक टन्स। तो मुद्दा यह है कि 5.33 मिलियन मेट्रिक टन्स कैपेसिटी वाली स्ट्रेटेजिक रिजर्व ऑलरेडी फंक्शनल है एट विशाखापट्टनम, एट मंगलोर एंड पदूर। दो और बन रहे हैं चांदी खोल एंड पदूर में। अभी करंट न्यूज़ क्या है? करंट न्यूज़ ये है कि भारत सरकार की एक कंपनी है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, इसने एक नया तरीका पे काम करना शुरू किया है फॉर स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व। ये जो नया तरीका है दैट इज सॉल्ट कैवर्न बेस्ड स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व, जिसको राजस्थान में लगाया जा सकता है। देखिए राजस्थान के अंदर कई सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे जो ग्राउंड का जो लेयर है तो दैट इज मेड अप ऑफ लॉट्स ऑफ सॉल्ट, यानी कि ग्राउंड के अंदर जो सब सॉइल के अंदर जो रॉक्स हैं उन रॉक्स के अंदर कई सारे जगहों पे सॉल्ट कंटेंट है, सॉल्ट। तो उन सॉल्ट्स को पिघला करके हटा करके वहाँ पे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाया जा सकता है। करना क्या है, ये जो सब सॉइल रीजन में जो रॉक्स हैं उसमें कई सारे जगहों पे सॉल्ट है इस तरीके का, उसमें पानी डालिए। तो उसमें पानी डालने से कैसा है, सॉल्ट घुल जाएगा, और वो सॉल्ट जब घुल जाएगा तो सॉल्ट सेटल हो जाएगा, फिर आप उसमें स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व बना सकते हैं। तो मुद्दा यह है कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड इज स्टडिंग फिजिबिलिटी ऑफ सॉल्ट केव बेस्ड स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स दैट कुड बी क्रिएटेड इन राजस्थान। अगर ये आइडिया सक्सेसफुल हो जाता है तो इंडिया कुड गेट इट्स फर्स्ट सॉल्ट केव बेस्ड ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी इन राजस्थान। अभी तक तो इन सारे जगहों पे है जहाँ पे रॉक्स के अंदर, सब सॉइल के अंदर जो रॉक्स हैं उनके अंदर स्पेस बचा करके वहाँ पे हमने स्टोरेज फैसिलिटी बनाई है। द कंट्रीज थ्री एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजिक ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी एट मंगलुरु, पदूर एंड विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश आर मेड अप ऑफ एक्सकावेटेड रॉक कैवर्न्स। तो रॉक्स को हमने एक्सकावेट करके, ब्रेक करके, उसमें स्पेस बना करके अभी तक स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व बनाया है। सॉल्ट बेस्ड कैवर्न्स में अभी तक हमने कोई भी स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व बनाया नहीं है। दोनों में अंतर क्या है, सॉल्ट कैवर्न बेस्ड रिजर्व्स एंड रॉक कैवर्न बेस्ड रिजर्व्स में अंतर क्या है? अंतर दोनों में ये है कि सॉल्ट बेस्ड जो कैवर्न है उसमें कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है, आपको बस पानी डालना है, ऐसे पानी डालना है, सॉल्ट घुल जाएगा, सॉल्ट घुल जाएगा, और सॉल्ट जो घुल जाएगा पानी सॉल्यूशन के साथ तो उसको कहते हैं हम लोग ब्राइन, वो ब्राइन को आपको रिमूव कर लेना है। इससे सब सॉइल रीजन में या अंडरग्राउंड रीजन में एक स्पेस जैसा क्रिएट होगा जिसमें आप ऑयल स्टोर करके रख सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि जो ब्राइन है, ये जो ब्राइन वाटर है और जो ऑयल है, दोनों की डेंसिटी अलग अलग है। ऑयल की डेंसिटी कम होगी, ब्राइन वाटर की ज़्यादा होगी, तो इस कारण से ब्राइन नीचे रहेगा, ऑयल ऊपर रहेगा। अब मान लीजिए कि आपको ऑयल एक्सट्रैक्ट करना है तो आप ब्राइन प्रेस करके डालते रहिए, ऑयल ऊपर आता रहेगा और ऑयल आप एक्सट्रैक्ट करते रहेंगे जब भी आपको चाहिए होगा। और जब आपको ऑयल डालना होगा तो आप ब्राइन निकाल लीजिए, ऑयल आप आराम से आप अंदर डाल सकते हैं। समझिए इस बात को, ये मान लीजिए कि यहाँ पे पहले सॉल्ट हुआ करता था, सॉल्ट में आपने वाटर डाला तो सॉल्ट घुल गया और ऐसे सेटल हो गया और यहाँ बन गया ब्राइन, ये स्पेस क्लियर हो गया। इस स्पेस में आप स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व रखिए स्टोर करके, अभी जब वो ऑयल आपको एक्सट्रैक्ट करना हो तो आप दूसरे पाइप से ब्राइन को प्रेस करना शुरू करिए, ब्राइन डालना शुरू कीजिए, ऑयल एक्सट्रैक्ट होकर के बाहर निकलने लगेगा। जब आपको ऑयल डालना हो तो आप फिर ये ब्राइन को एक्सट्रैक्ट करना शुरू कीजिए और आप ऑयल आराम से डाल सकते हैं। तो सॉल्ट बेस्ड कैवर्न्स जो हैं इनमें ऑयल को स्टोर करना और एक्सट्रैक्ट करना दैट वुड बी मच ईजियर एज कम्पेयर टू रॉक एक्सकैवेटेड रीजन्स ऑफ स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, एंड दैट इज हाउ दिस प्रोसेस वुड बी सिंपलर, फास्टर एंड लेस कॉस्ट इंटेंसिव एज कम्पेयर टू एक्सकैवेटेड रॉक कैवर्न। और अभी ये स्टडी किया जा रहा है कि कितना फिजिबल है, अगर ऐसा सक्सेसफुल हो पाया तो राजस्थान के अंदर वी विल हैव आवर फर्स्ट स्ट्रैटेजिक सॉल्ट कैवर्न बेस्ड पेट्रोलियम रिजर्व। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट गगन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। वैसे तो इसको मैं मेंस स्पेसिफिक टॉपिक में नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये आ सकता है मेंस में, तो मैं इसको कंटेंट इनरिचमेंट जो मटेरियल होगा पार्ट टू उसमें ऐड करके दूंगा। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू।
दो चार दिनों पहले ही मैं आपको बता रहा था अबाउट आवर नाविक सिस्टम, इंडियन रीजनल नेविगेशनल सेटेलाइट सिस्टम, ये सब आपको याद ही होगा। तो मैंने GPS बताया कैसे US एयर फोर्स ने इसको लॉन्च किया है, 24 सैटेलाइट्स का कॉन्स्टेलेशन है जो पूरे दुनिया भर में ग्लोबल पोजिशनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से हम लोग आप एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, ओला उबर ड्राइवर्स इसका इस्तेमाल करते हैं। तो GPS तो आप जानते ही हैं। GPS का ऑल्टरनेटिव मॉडल दुनिया के कई सारे बाकी देशों ने बना रखा है, जैसे रसिया ने ग्लोनास, यूरोपियन यूनियन ने गैलीलियो एंड ऑल। इंडिया का अपना है नाविक सिस्टम, इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम, 7 उसमें सैटेलाइट्स हैं। और हाल फिलहाल में नाविक क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि नाविक का जो सेकेंड जनरेशन सैटेलाइट्स हैं उनको लॉन्च किया जाना हमने शुरू कर दिया है, क्योंकि कोई भी सैटेलाइट स्पेस में 10-12 साल तक तो रहता है, तो उनको फिर रिप्लेस करना होता है विथ न्यू जनरेशन। तो नाविक का सेकेंड जनरेशन सैटेलाइट हमने लॉन्च करना शुरू कर दिया, इसलिए नाविक न्यूज़ में था और हमने उसको पढ़ा भी था, राइट। तो ये जो GPS है, अब अपना नाविक कैसा है, रीजनल पोजिशनिंग सिस्टम है, RPS, जबकि GPS जो US वाला है जिसका टेक्निकल नाम है नावस्टार, वो ऑफकोर्स GPS है, पूरे दुनिया भर में वो सर्विस प्रोवाइड करता है। अभी कैसा है, GPS के कई सारे फायदे हैं, ट्रैकिंग डिवाइस की तरह काम होता है ओला उबर में, गाइडेड मिसाइल सिस्टम में काम होगा, मिलिट्री ऑपरेशंस में काम होगा, फ्लाइट ऑपरेशंस में काम होता है GPS का, फ्लाइट ऑपरेशंस, तो फ्लाइट्स को ट्रैक करने में GPS का काम या इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आप सोचिए फ्लाइट्स के ऑपरेशन में कितना प्रिसीजन की ज़रूरत होगी, एग्जैक्ट प्रिसीजन की ज़रूरत होगी ना, एग्जैक्टली वो फ्लाइट कहाँ है वो जानना होगा ना, अदरवाइज एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो इसलिए सिर्फ GPS के भरोसे फ्लाइट ट्रैकिंग नहीं छोड़ा जाता है, GPS को ऑगमेंट किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है विथ ग्राउंड बेस्ड रडार, इस तरीके से ग्राउंड बेस्ड रडार और GPS दोनों को साथ में चलाया जाता है फॉर फ्लाइट ट्रैकिंग सिस्टम। या दूसरा तरीका है कि GPS को ऑगमेंट किया जाता है विथ सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम्स, तो GPS तो है ही, फिर और कुछ सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम्स लगा दिए गए ताकि GPS को ऑगमेंट किया जा सके, एक्स्ट्रा सपोर्ट दिया जा सके, और फिर उस GPS ऑगमेंटेड सिस्टम से फ्लाइट ट्रैकिंग की जाती है, जिससे एग्जैक्ट प्रिसाइज तरीके से फ्लाइट्स के ऑपरेशंस को हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। और अगर आप ये बात अब समझ गए हैं कि GPS के भरोसे हम लोग अकेले फ्लाइट्स नहीं मैनेज कर सकते हैं, फ्लाइट्स के मूवमेंट को मैनेज नहीं कर सकते, वी नीड टू ऑगमेंट GPS विथ सम एडिशनल सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम या रडार बेस्ड सिस्टम, तब फिर आप गगन को समझ पाएंगे। गगन भारत का डेवलप किया हुआ, भारत के अंदर एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसरो का डेवलप किया हुआ एक सिस्टम है जिसका पूरा नाम है GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन का मतलब ही है कि ये सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम है SBAS, जिसमें GPS को हम लोग एक्स्ट्रा कुछ सैटेलाइट्स की मदद से और ज़्यादा प्रिसाइज बनाते हैं फॉर मैनेजिंग आवर फ्लाइट ऑपरेशंस। तो गगन इज इंडियाज सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम। ये देखो इंडिया इस एरिया में कौन सा सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम आ रहा है, गगन, क्योंकि GPS बाय इटसेल्फ इज नॉट सफिशियंटली एक्यूरेट टू डू थिंग्स लाइक लैंडिंग एयरप्लेन्स और अदर एप्लीकेशंस। तो गगन हम लोग तो बहुत पहले से डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं 2014 से, लेकिन गगन हाल फिलहाल में न्यूज में इसलिए आया क्योंकि गगन को अब यूज में लाया जा रहा है, अदरवाइज इंडिया में हम लोग रडार बेस्ड GPS ऑगमेंटेशन करते थे, धरती पे कई सारे रडार लगा करके GPS ऑगमेंटेशन कर रहे थे हम लोग इंडिया में, लेकिन अब सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम ला गया है गगन में। और सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम गगन जो है उसका हाल फिलहाल में यूज किया गया है। लास्ट ईयर इंडिगो बिकेम द फर्स्ट एयरलाइन इन द कंट्री टू लैंड एयरक्राफ्ट यूजिंग इंडिजीनियस गगन सिस्टम। हाल फिलहाल में एशिया का पहला डेमोन्स्ट्रेशन किया हमने गगन के मदद से हेलीकॉप्टर्स को रन करने में फ्रॉम जुहू टू पुणे, जुहू मुंबई टू पुणे। तो गगन बेस्ड हेलीकॉप्टर ट्रैकिंग एंड मैनेजमेंट वॉज डन फॉर अ हेलीकॉप्टर दैट वॉज फ्लोन फ्रॉम जुहू टू पुणे, एंड दैट वॉज एशियाज फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम या गगन का पहला इस्तेमाल फॉर हेलीकॉप्टर किया गया। अभी ध्यान से समझो, ये जो अपना गगन है ये सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम तो है ही, लेकिन इट इज़ नॉट फुल्ली सैटेलाइट बेस्ड, इसमें कुछ ग्राउंड बेस्ड रडार्स भी हैं। तो गगन जो है दैट इज रडार, ग्राउंड बेस्ड रडार्स भी हैं कुछ, सैटेलाइट्स भी हैं, दैट इज व्हाट इज वेरी स्पेसिफिक, वेरी प्रिसाइज।
Gagan has some ground-based radars plus some satellites that makes GPS very precise. हाल फिलहाल में गगन का इस्तेमाल शुरू हुआ है, तो आप मान सकते हैं कि फ्लाइट ऑपरेशंस हैव बिकम नाउ मोर प्रिसाइज एंड सिक्योर इन इंडिया. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट मिशन वात्सल्य. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. मिशन वात्सल्य, हाल फिलहाल में भारत सरकार ने एक समझिए कॉन्फ्रेंस रखा विद चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस इन ऑर्डर टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ मिशन वात्सल्य. नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल, बस इंपॉर्टेंट है मिशन वात्सल्य होता क्या है उसको आप जान गए तो पीटी में मिशन वात्सल्य से सवाल आएगा तो आप सॉल्व कर पाएंगे सीधा सीधा, और मेंस में कहीं पासिंग रेफरेंस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं मिशन वात्सल्य का. तो इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिशन इज टू सिक्योर हेल्दी एंड हैप्पी चाइल्डहुड इन इंडिया. द स्कीम इज टू प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग. ध्यान रहे यही कोर वर्ड है, मिशन वात्सल्य का गोल है ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना एंड देयर बाय टू रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. तो कहीं भी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पे आप आंसर लिख रहे हो मेंस में तो वहाँ पे आप मिशन वात्सल्य का जिक्र कर सकते हैं कि इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ मिशन वात्सल्य विल हेल्प इन अटेनिंग द गोल ऑफ रिड्यूसिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था एल शेप्ड इकॉनमी, तो रिसेशन या डिप्रेशन के बाद अगर इकॉनमी रिकवरी ना करे फॉर लंबे समय तक तो दैट इज एल शेप्ड. जल जीवन मिशन, इट इज फॉर रूरल एरियाज बट अर्बन एरियाज ऑल्सो. स्टार्ट किया गया था रूरल एरियाज के लिए लेकिन बाद में अर्बन कॉम्पोनेंट भी ऐड कर दिया गया, तो ओनली स्टेटमेंट के कारण यह गलत हो गया है, दूसरा स्टेटमेंट सही है. यहाँ पूछा था कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सिविल स्कोर से रिलेटेड ट्रू नहीं है. बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.